कानपुर पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे तस्करों के लिए बिछाया जाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि कानपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी प्रकरण में दो सप्ताह बीतने के बाद भी पुलिस नेटवर्क के सिरे नहीं तलाश पाई है। आरोपियों से पूछताछ और कॉल डिटेल रिपोर्ट सीडीआर के आधार पर पुलिस तस्करों को दबोचने के प्रयास कर रही थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब पुलिस बैच नंबर के आधार पर इंजेक्शन भेजने वालों की जड़ें तलाशने में जुटी है। हैदराबाद की कंपनी से बैच नंबर के आधार पर इंजेक्शनों का ब्यौरा मांगा है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर यूपी एसटीएफ और बाबूपुरवा की संयुक्त टीम ने किदवाई नगर चौराहा के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे बख्तौरीपुरवा निवासी मोहन सोनी, पशुपति नगर निवासी प्रशांत शुक्ला और यमुना नगर हरियाणा निवासी सचिन कुमार को पकड़ा था। आरोपियों के पास से 265 इंजेक्शन बरामद किए गए थे। छानबीन में मोहन ने पश्चिम बंगाल के अपूर्वा मुखर्जी द्वारा इंजेक्शन भेजने की जानकारी दी थी। पूछताछ में उसने बताया था कि अपूर्वा ने वाराणसी के परिचित के जरिए इंजेक्शन भेजे थे, जो वाराणसी से बस से शहर आए थे। हालांकि बस अड्डे से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। कई बातें गलत निकलने पर पुलिस ने सीडीआर का सहारा लिया, लेकिन पुलिस यहां से भी कुछ निकाल नहीं सकी। आगे की कड़ी के लोगों को धरपकड़ के लिए अब पुलिस ने बैच नंबर से जरिए सूत्र खंगालने की रणनीति बनाई है। पुलिस ने हैदराबाद की कंपनी से संपर्क करके इंजेक्शनों का ब्यौरा मांगा है। पुलिस का कहना है कि बैच नंबर से पता लगाया जाएगा कि किसे कितने इंजेक्शन दिए गए हैं। स्टॉक एंट्री से पता लगाया जाएगा कि यह इंजेक्शन कहां से गायब हुए। बैच नंबर के आधार पर कंपनी से जानकारी मांगी गई है। ब्यौरे के आधार पर पता चलेगा कि कहां से सप्लाई किए गए, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।